वेलकम टू इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि इकोलॉजी क्या होती है और इसके जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली इकोलॉजी जो है वो ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शंस जो होता है और उसके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसके साथ उसके क्या इंट्रैक्शंस होते हैं, इसे हम स्टडी करते हैं। ये बायोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल ब्रांच है, क्योंकि इस ब्रांच से जो हमें नॉलेज मिलती है वो हमें मदद करती है ह्यूमन बीइंग्स और नेचर के बीच जो इंटरडिपेंडेंस एग्जिस्ट करता है उसे समझने में हमें ये मदद करती है। जैसा कि हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसके बहुत सारे इल इफ़ेक्ट्स हैं हमारी एनवायरनमेंट पे और हमारी नेचुरल रिसोर्सेज पे, तो इकोलॉजी की जो नॉलेज हमें मिलेगी इसे पढ़ने के बाद, उस नॉलेज को यूज़ करके हम अपने एनवायरनमेंट को सस्टेन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रांच बन जाती है बायोलॉजी की। इकोलॉजी जो है वो एनवायरनमेंट के सारे बायोलॉजिकल, केमिकल और फिज़िकल फैक्टर्स जो हैं सबको कंबाइन करके इसे पढ़ा जाता है। और इस एनवायरनमेंट के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, और इन कंपोनेंट्स को सबसे अच्छे से तभी पढ़ा जा सकता है जब हम इनके बीच के रिलेशन को भी पढ़ें। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह हम इसे पढ़ते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एज अ होल मान के चलते हैं हम एनवायरनमेंट को। इस स्टडी को हम होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। तो ये इकोलॉजी जो है वो बायोलॉजी को एक होलिस्टिक अप्रोच देता है। इकोलॉजी का एक अच्छा आइडिया समझने के लिए इस पिक्चर को हम देखते हैं। इसमें एक ट्री है और एक इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट इस ट्री की लीव्स को खा रहा है, अब यानी कि अपने फूड के लिए इस पर डिपेंड हो रहा है। ये दोनों नेचर के बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, और यहाँ पर जो सॉइल प्रेजेंट है और जो एयर है ट्री के सराउंडिंग, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और ये जो ट्री है ये सॉइल पे डिपेंड कर रहा है मिनरल्स के लिए, और एयर पे डिपेंड कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है जिसके थ्रू। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। इस पेज पे मैंने कुछ साइंटिस्ट के नाम भी मेंशन किए हैं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इकोलॉजी में, जैसे रीटर, इन्होंने इकोलॉजी टर्म इन्होंने ही दिया था। अर्नेस्ट हैकल ने डिफाइन करा था इकोलॉजी एज अ साइंस विच डील्स विद रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड। प्रोफेसर आर मिश्रा को इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी माना जाता है, और वार्मिंग को फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी। यूजीन पी ओडम ने डिफाइन किया था इकोलॉजी को एज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। तो इन साइंटिस्ट के नाम और इनका कंट्रीब्यूशन भी हमें याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। इकोलॉजी में जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली बहुत सारे स्केल्स हैं जिन पैमानों पर हम इकोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म के लेवल पर इकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो हम उस ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, उसका बिहेवियर और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ते हैं कि एनवायरनमेंट में उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ वो फैला हुआ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एडेप्टेशंस। जो एडेप्टेशंस वो चेंजेस हैं जो उसके अंदर आए चेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे जैसे चेंज होती रही ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी चेंजेस आते गए। तो इस लेवल पर हम ऑर्गेनिज्म के लेवल पर ये चीज़ें पढ़ सकते हैं इकोलॉजी में। अगर हम इससे बड़े लेवल पर जाएं जो कि है पॉपुलेशंस, जिसे डिफाइन किया गया है एज एन एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज़ इन अ पर्टिकुलर एरिया। उनकी स्पीशीज़ सेम होनी चाहिए ऑर्गेनिज़म्स की, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो जैसा कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो इंसेक्ट है ये एक ही स्पीशीज़ का है और इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसे हम पॉपुलेशन बोलेंगे। जो इससे बड़ा लेवल है वो है बायोलॉजिकल कम्युनिटी। बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो है इसमें डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक आंट है, लेडीबग्स हैं, ये अलग अलग स्पीशीज़ के इंसेक्ट्स हैं, और यहाँ पर प्लांट्स भी हैं, हमें उन्हें भी कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, तो इसे हम बायोलॉजिकल कम्युनिटी कहते हैं। इससे बड़ा लेवल है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कंप्राइजेज ऑफ द फिज़िकल एंड द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट।
जो एनवायरनमेंट के बायोटिक कंपोनेंट्स हैं यानी जो ऑर्गेनिजम्स हैं और एनवायरनमेंट के जो फिज़िकल कंपोनेंट्स हैं उनके बीच जो एनर्जी का चेंज होता है, मटेरियल्स का चेंज होता है और जो न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल होते हैं, इस लेवल को हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हम डिटेल में आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। इसके बाद जो लेवल आता है वो है लैंडस्केप। लैंडस्केप को हम कंसीडर कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एरिया है जिसकी एक नेचुरल बाउंड्री है। वो बाउंड्री माउंटेन की रेंज हो सकती है या कुछ और भी बाउंड्री हो सकती है, और उस बाउंड्री के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम हैं। एक क्लस्टर है इकोसिस्टम्स का जो डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो सकते हैं, ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, उसके अंदर मार्शेस हो सकते हैं, पॉन्ड्स हो सकते हैं। ये डिफरेंट इकोसिस्टम को दर्शा रहे हैं और ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इस बड़े एरिया को हम कहते हैं लैंडस्केप। इसके बाद जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो है बायोम। बायोम एक बहुत लार्ज एरिया है जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक, एक स्पेसिफिक टाइप का वेजिटेशन है और एक स्पेसिफिक टाइप की वाइल्ड लाइफ वहाँ प्रेजेंट है उस एरिया के अंदर, और उसका एक स्पेसिफिक क्लाइमेट जोन है। क्लाइमेट जोन्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इसी में हम बायोम्स को और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर अर्थ का वो जोन है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये रेंज करता है ओशियन के फ्लोर से लेके और माउंटेंस के टॉप तक, और साइंटिस्ट इसकी थिकनेस मानते हैं 22.5 किलोमीटर के अंदर, क्योंकि ओशियन के फ्लोर से में ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं और माउंटेन के टॉप्स पर भी बहुत सारे एरियल एनिमल्स हैं और बैक्टीरियाज भी हैं जो सर्वाइव करते हैं। तो बायोस्फीयर की थिकनेस 22.5 किलोमीटर कंसीडर की जाती है। तो आज की वीडियो में हमने ये पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइमेटिक जोन्स और बायोम्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।